इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट है। यूनियन क्या है? यूनियन दरअसल एक डेटा टाइप है, एक ऐसी डेटा टाइप है जो क्या करती है, जो डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकती है। यानी हम क्या करेंगे, जब भी डेटा टाइप की बात आती है हम बात करते हैं मेमोरी की। यानी मेमोरी के अंदर हम एक ऐसी जगह रिजर्व करेंगे जिसके अंदर मज़ीद डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक मेमोरी है और इस मेमोरी के अंदर ये स्पेसिफिक एरिया जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दरअसल क्या है, ये हमारा यूनियन है। इस यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे कि यहाँ पे मैं एक हिस्सा रख लेता हूँ इंटीजर के लिए, इसी तरह इसका एक हिस्सा आप रख लेते हैं फ्लोट के लिए, और इसी तरह आप एक हिस्सा इसके लिए रख लेते हैं करेक्टर के लिए। तो ये तीनों डेटा टाइप्स मिलके एक बड़ी डेटा टाइप में स्टोर हो रही हैं। ये जो बड़ी डेटा टाइप है ये दरअसल यूनियन कहलाती है। लेकिन यूनियन में, और इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर का, यूनियन में और स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। यूनियन क्या है? यूनियन में हमारे पास जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो दरअसल सेम मेमोरी लोकेशंस पे हमारा डेटा स्टोर होता है, और इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी स्पेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर किया है और हमने लिखा है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम लिखा है, उसके अंदर हमने दो डेटा टाइप्स डिक्लेयर किए हैं। सिमिलरली यूनियन को भी डिक्लेयर करने का यही तरीका होता है, हम यूनियन लिखते हैं, यूनियन का नाम लिखते हैं और फिर हम डेटा टाइप्स जो उसके अंदर मौजूद हैं वो हम लिखते हैं। अब आपको दोनों एक जैसी लग रही होंगी लेकिन इनके अंदर बहुत ही एक बुनियादी फ़र्क है। उस फर्क को समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। जब कभी भी आप एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप वहाँ पे एक डेटा टाइप ले रहे हैं इंट ए, तो इंट ए क्या करेगा, यहाँ पे 4 bytes की जगह रिजर्व कर लेगा। जैसे कि हमने ऊपर एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया है, ये क्या कर रहा है, इसने 4 bytes की जगह डिक्लेयर हासिल कर ली है। उसके बाद जो हमने, हमारे पास जो अगली डेटा टाइप थी वो थी करेक्टर डेटा टाइप, वो थी बी। वो स्ट्रक्चर में मेमोरी में जाके कितनी जगह रिजर्व कर रही है, वो जगह रिजर्व कर रही है 1 byte की। तो ये 1 byte करेक्टर के लिए है और ये 4 byte जो है वो इंटीजर के लिए। अगर हम दोनों को प्लस करें तो जवाब आएगा 4 + 1 = 5 byte। इसी तरह अगर यूनियन की बात की जाए तो यूनियन भी हमने इससे पहले ऊपर जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे भी हमने 2 इसके अंदर डेटा टाइप्स ली हैं, एक इंटीजर वेरिएबल और एक करेक्टर वेरिएबल। तो मेमोरी में जब ये जगह रिजर्व होगी तो इसके लिए आप देखें कि हमारे लिए जो इंटीजर ए है वो क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे 4 bytes की जगह रिजर्व हो जाएगी। ये हमारे पास 4 bytes है और इसी 4 bytes में से ही 1 byte जो होगी वो रिजर्व होगी करेक्टर को। यानी हमारे पास जो टोटल मेमोरी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है वो इस्तेमाल हो रही है 4 bytes। यानी ये 4 की 4 bytes इंटीजर के लिए भी है और इस 4 bytes में से जो 1 byte की मेमोरी है वो करेक्टर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर हमारी 5 byte की मेमोरी इस्तेमाल हो रही थी, हालांकि सेम हमने इसके अंदर डेटा टाइप्स इस्तेमाल की थी, लेकिन यूनियन में हमारी जो डेटा टाइप्स हैं वो सेम है लेकिन मेमोरी कम इस्तेमाल हो रही है। तो हमने जो स्टार्ट में यहाँ पे एक बात कही थी कि यूनियन क्या है कि वो क्या करता है कि डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करता है लेकिन सेम मेमोरी लोकेशंस में। अब आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, करेक्टर ये एक डिफरेंट डेटा टाइप है, इंटीजर एक डिफरेंट डेटा टाइप है, लेकिन ये सेम मेमोरी लोकेशंस के अंदर इनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है। यानी 4 bytes इंटीजर के लिए भी है और इसी में से 1 byte करेक्टर के लिए भी है। तो ये इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। अब यूनियन का प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है उसको हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक यूनियन बनाने के लिए आप पहले हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे यूनियन जो कि इसका कीवर्ड है। इसका मतलब ये कि आप एक यूनियन टाइप का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद आप यूनियन का नाम रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसका नाम रख लिया टेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर हम 2 data types इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक हमारे पास है इंटीजर एक्स और एक हमारे पास है करेक्टर वाई। तो फिर होगा क्या कि हमारी मेमोरी लोकेशंस में इस तरह से जो इंटीजर के लिए 4 byte की जगह रिजर्व हो जाएगी और करेक्टर के लिए भी उसी में से ही हमारे पास जगह रिजर्व हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे हम समझने के लिए लिख लेते हैं कि हमारे पास जो x वेरिएबल है ये 4 बाइट्स की जगह ले रहा है, और यहाँ पे इसी 4 बाइट्स में से ही जो करेक्टर है वो इसी 4 बाइट में से ही 1 बाइट की जगह ले रहा है। यानी हमारे पास जो टोटल मेमोरी इसमें इस्तेमाल हो रही है वो 4 बाइट ही इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। यूनियन का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यूनियन, इसकी डेटा टाइप बताते हैं, फिर हम यूनियन का नाम लिखते हैं, और फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया टी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा यूनियन हमने यहाँ पे बनाई है, तो इस यूनियन का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे समझने में आसानी हो। हमने जो यहाँ पे यूनियन बनाई है, इस यूनियन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं। इन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जो यहाँ पे एक्स है, इसके अंदर हमारे पास 4 बाइट्स जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगे। ये जो पूरे एक जगह है ये दरअसल किसके लिए है, ये इंटीजर एक्स के लिए है, और इसी में से जो हमारे पास एक मेमोरी इसके अंदर जो 1 बाइट है वो जगह मिल रही है यहाँ पे करेक्टर वाई को। अब यहाँ पे हम कोड को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया टी, तो हमारे पास जो ये मुकम्मल यूनियन है जिसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे पास मुकम्मल एक यूनियन है जिसको एक इस यूनियन के अंदर इंटीजर एक्स मौजूद है और करेक्टर वाई मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई की यूनियन है ये। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टी, जो टी जो है वो एक यूनियन का वेरिएबल है और वो मुकम्मल इस डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने जो टी लिखा है, अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे टी डॉट एक्स। जैसे हम टी डॉट एक्स लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम टी वेरिएबल के जरिए हमारा जो इसके अंदर एक्स डेटा टाइप थी उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, और उसके अंदर हम वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं, 65। यानी टी डॉट एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा 65। उसके बाद आप देखिए हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं वैल्यूज को प्रिंट करता हूँ कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हमने रखी है वो 65 रखी हुई है, और एक्स की वैल्यू 65 रखने से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको अगर मैं कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे और मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है 65 और वाई के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है ए। हालांकि आप यहाँ पे देखें कि हमने अपने कोड के अंदर कहीं पर भी ए को कोई वैल्यू नहीं दी, हमने कहीं पर भी वाई को कोई वैल्यू हमने नहीं दी, एक्स को हमने वैल्यू दी है 65, लेकिन वाई वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन जैसे ही हम एक्स को वैल्यू दी 65, तो ये वैल्यू जो है ये वाई के अंदर भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि वाई भी जो है वो इसी टेरिटरी में है, इसी जगह पर है, इसी जगह पर मौजूद है। तो 65 एक्स के अंदर भी स्टोर होगा और वाई के अंदर भी स्टोर होगा, लेकिन वाई को भी 65 प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि वाई की जो डेटा टाइप हमने रखी है वो हमने रखी है करेक्टर, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी जितने भी हमारे पास करेक्टर्स होते हैं वो जितने भी हमारे पास करेक्टर्स होते हैं उनकी ASCII वैल्यू होती है। अब 65 जो है ये दरअसल ASCII वैल्यू है ए की, तो y में दरअसल स्टोर तो 65 हुआ हुआ है, लेकिन चूंकि y एक करेक्टर है इसलिए वो करेक्टर को प्रिंट करेगा, इसलिए y यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, वो a को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे y की डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, y की डेटा टाइप देखें, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे भी प्रिंट की जो हमारी कमांड है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया है उसको भी हम यहाँ पे परसेंट डी कर देते हैं, तो अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखिए मेरे यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स के अंदर भी 65 स्टोर हुआ है और वाई के अंदर भी 65 स्टोर हुआ है। तो इस यूनियन से हमें ये बात साबित होती है कि हमने जो स्टार्ट में यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बनाया था अपना यूनियन का, ये सेम डेटा स्ट्रक्चर है, यानी एक्स के लिए भी है वाई के लिए भी, यानी जो वैल्यू हम एक्स में स्टोर करेंगे वो वाई के लिए भी डिस्प्ले होगी। तो ये दरअसल कहलाता है हमारा यूनियन का डेटा स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर की ही तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हम सेम मेमोरी लोकेशंस इस्तेमाल करते हैं और हमारी मेमोरी कम यूटिलाइज होती है, यानी एक ही जगह के ऊपर हम बहुत सारी डेटा टाइप को जो है वो हम रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि यूनियन दरअसल सी लैंग्वेज के अंदर जो एक टेक्निक है जो कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, कुछ तो मुख्तलिफ डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए या उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो दरअसल क्या है, ये आज की वीडियो में आज हमने सीखा।